Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Share. Beta, आपको मैंने पिछले वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन कराया था. ओवर सब्सक्रिप्शन ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो कंपनी इशू करती है शेयर्स, पब्लिक उससे ज़्यादा अप्लाई करती है, लेकिन कंपनी जितने शेयर इशू किए उससे ज़्यादा नहीं दे सकती पब्लिक को. तो कंपनी के पास तीन अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं. एक तो मैंने बताया था, गिव दम फुल अलॉटमेंट टू दी एप्लीकेंट्स, कि कंपनी क्या करती है, फुल अलॉटमेंट दे देती है कुछ एप्लीकेंट्स को. और दूसरा मैंने बताया था, गिव प्रोराटा अलॉटमेंट टू दी एप्लीकेंट्स. प्रोराटा मीन्स कुछ कम दे देती है कंपनी शेयर, जितने एप्लीकेंट्स मांगते हैं शेयर उससे कम दे देती है. और थर्ड जो है क्या था, रिफंड द मनी और रिजेक्ट द एप्लीकेशन. इसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है कि उनको हम कंपनी क्या करती है, अपना शेयर होल्डर नहीं बनाते, तो उनको क्या कर दी जाती है, मनी रिफंड कर दी जाती है. तो वो सिचुएशन कराई थी. वैसे तो आज मैंने वही ओवर सब्सक्रिप्शन वाला ही टॉपिक करवाना है अपनी वीडियो में, लेकिन आज जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगी जिसके अंदर क्या है, हमें कंबाइंड अकाउंट पूछा गया हो फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. कि कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेशन मनी अलग है, अलॉटमेंट मनी अलग है, कॉल मनी अलग है, इंस्टॉलमेंट में मतलब पैसा मंगा रही कंपनी. लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का हमने ज्वाइंट खाता खोलना है, ज्वाइंट अकाउंट खोलना है, तो हम किस तरह से खोलेंगे. सबसे पहले आपको ये एंट्रीज में करा रही हूँ. इतना है कि जब हम एप्लीकेशन वर्ड लिखते हैं ना, तो एप्लीकेशन के साथ हम क्या लिखते हैं, अलॉटमेंट भी लिखते हैं. तो आप लिखिए नंबर वन, इस सिचुएशन में जो एंट्रीज होंगी उसमें क्या चेंजेस आएंगे. आप लिखिए पहली ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन. जब हमारी एप्लीकेशन मनी क्या होगी, रिसीव होगी, तो आपको वैसे तो एंट्री आती है, क्या होती बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, ये होती है ना. आप शेयर एप्लीकेशन के साथ हम वर्ड और भी लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट. अभी तो बेटा मैं आपको ये जनरल सिखा रही हूँ इसका, तो मतलब विद हेल्प एग्जाम्पल, और मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अब मैंने अलॉटमेंट वर्ड क्यों बोला, बेटा क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा कि हमने इनका ज्वाइंट अकाउंट खोलना है, तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. समझ आ गया, ठीक है. नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे ये आपने देखना, जैसे हमारे कितने शेयर अप्लाई कर दिए गए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन और एप्लीकेशन मनी कितनी है, वो कैसे वो मैं आपको करवाऊंगी. अब बात करते हैं हम नंबर टू, दोबारा समझ लो. जब हमारी रिसिप्ट होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, वैसे एंट्री क्या करते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं. पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. फिर आपको याद होगा जब हम ट्रांसफर करते हैं, ऑन ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड, अब इसमें हम इकट्ठी ही ट्रांसफर कर देंगे, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी. समझ आया कि जब आपको याद होगा एंड अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन एंड, एक मिनट बताती हूँ, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी. यहाँ पर जो हम एंट्री कर रहे हैं, दोबारा से मैं बता रही हूँ कि जब हम, आपको याद होगा एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर करते थे किसमें, शेयर कैपिटल में, तो हम एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. पर यहाँ पर हम एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी जितनी है हमारे क्वेश्चन में, उन दोनों को प्लस करेंगे और वो मनी क्या कर देंगे, अलॉटमेंट मनी तो ड्यू हो जाएगी और एप्लीकेशन मनी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी. तो एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, के पॉइंट में दोबारा समझा लूंगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये मैं पॉइंट ये समझाने जा रही हूँ. आपको याद होगा जब एप्लीकेशन अकेला होता है तो हम ट्रांसफर करते वक्त क्या वर्ड यूज करते हैं, एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. पर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का क्या करना है, अकाउंट इकट्ठा खोलना है, ज्वाइंट खोलना है. तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जो मनी होगी, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि एप्लीकेशन मनी कितने रुपीज है, अलॉटमेंट मनी कितनी है, वो सारे की सारी हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में. ये थी सेकेंड एंट्री. अब बेटा हम करेंगे थर्ड एंट्री. थर्ड एंट्री क्या होगी, नंबर थ्री, ऑन रिफंड ऑफ मनी, ऑन रिफंड ऑफ
money rejected on rejected application. इसका मतलब क्या होता है पहले तो समझ लो, जब कंपनी क्या करती है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है कुछ पब्लिक के बंदों को कि हम आपको अपना शेयर होल्डर नहीं बना सकते, तो आपको पता है हम मनी क्या कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं. तो एंट्री क्या होगी, कब एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री टू. अब अलॉटमेंट लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमने ज्वाइंट खाता खोला है, टू बैंक अकाउंट. अदरवाइज हम एंट्री क्या करते थे, हम करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री टू बैंक अकाउंट, है ना. लेकिन यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड यूज करना है. तो वैसे तो फोर एंट्रीज बताने जा रही है, पर थ्री पहले समझ लो कि क्या बोला. पहले तो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होती है, जितने शेयर अप्लाई किए गए हैं, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पहली एंट्री में अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि इनका जॉइंट खाता खोलना है, कंबाइंड खाता खोलना है. दूसरा, जब हम ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी, किसने करेंगे, शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पर हम अलॉटमेंट का अमाउंट भी मल्टीप्लाई कर देंगे. अलॉटमेंट मनी जितनी होगी उसको नंबर ऑफ शेयर्स, कौन से वाले शेयर जो कंपनी इशू कर रही है, क्योंकि इशू कम कर रही है तो हम अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ट्रांसफर किससे कर दिया जाएगा, शेयर कैपिटल में. ये कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगी क्वेश्चन में. तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और दूसरा, जब हम मनी रिफंड करते हैं, वैसे आपको पता जब मनी रिफंड करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक होती है, पर यहाँ पर हमने क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, ज्वाइंट अकाउंट खोलना है. इस वजह से फिर जब हम, आपको याद होगा, जब हम मनी रिसीव करते हैं अलॉटमेंट में, तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना, होती है ना. लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट वर्ड ना लिखे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करेंगे, नंबर फोर लिखिए, और रिसिप्ट ऑफ ऑन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी जो हमें रिसीव होगी, बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी. आपको याद होगा जब अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी ना हो तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पर अब इसमें क्या यूज करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा कि हमने इनका ज्वाइंट अकाउंट खोलना है, है ना बेटा. अब आपको समझ आ गया होगा, बाकी तो एंट्रीज वैसे ही होंगी, जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं उसकी एंट्री, ठीक है, फिर रिसीव करने की एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू करते हैं उनको रिसीव करने की एंट्री, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंजेस जो आए इन में आएंगे एंट्रीज में. तो एंट्री में वर्ड यूज क्या किया गया है, एप्लीकेशन के साथ हमने अलॉटमेंट वर्ड यूज किया है. तो अब आपको मैं आपकी डीके गर्ल की बुक का 24 क्वेश्चन समझा रही हूँ, पहले समझ लो फिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो आपको, सॉरी 23 क्वेश्चन जो है 24 क्वेश्चन समझा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 24 में है क्या बेटा, ऑन 1st अक्टूबर 2018 एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज. कि 1st अक्टूबर 2018 को एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, ऑफर किए हैं पब्लिक को 1 लाख शेयर्स 10 रुपये वाले. एप्लीकेशन मनी बेटा 3 रुपीज पर शेयर है. अलॉटमेंट मनी 1st नवंबर को की गई है 2 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल मनी दिसंबर में की गई है 3 पर शेयर. सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 महीने बाद की गई है, यानी कि 1 दिसंबर के बाद 1 महीना क्या आएगा, 1 जनवरी 2019 आ जाएगी. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,25,000 शेयर्स ऑन अक्टूबर 15, 2018. एप्लीकेशन कब आई है, 15 अक्टूबर 2018 को आई है, ठीक है. एप्लीकेशन कितनी आई है, 1,25,000 शेयर्स की, और कंपनी ने कितने ऑफर किए 1 लाख. तो आपको पता चल रहा है 25,000 एक्सेस एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है, एक्सेस हो गया. तो एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर पर अलॉटेड 1 लाख, कि जो शेयर होल्डर जो पब्लिक चाहती है 1,20,000 शेयर लेना, कंपनी मैक्सिमम उनको 1 लाख दे सकती है, शेयर अलॉट कर सकती है. और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, और बाकियों को क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिए जाएंगे पैसे. बाकी रहे कितने के, 5,000. किस तरह से है ये बेटे, आपको मैं अभी टेबल बना के सिखाऊंगी, आपको इजली समझ आ जाएगा. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
give general entries assuming that all the amounts have been received and the company maintained a combined account for application and allotment. जनरल एंट्रीज करनी है, ये मान के चलना सारा कुछ आ गया है, सारी मनी आ गई है और कंपनी क्या करती है, कंबाइंड खाता खोल लेगी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि अब मैं जो भी जब भी बात करूंगी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों ही इकट्ठा वर्ड यूज करूंगी, एप्लीकेशन अलग अलॉटमेंट अलग यूज नहीं करूंगी। तो सबसे पहले आप सीखिए बेटा, जो हम टेबल बनाते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था, जब तक आप ये टेबल नहीं बनाओगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। तो टेबल बनाने से आपको इजिली अमाउंट का पता चल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24, अब आप लिखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 में कैलकुलेशन टेबल। ये वाला टेबल जब हम तीन चार सम कर लेते हैं बच्चे को अच्छे से समझ आ जाता है। लिखिए शेयर अप्लाइड फॉर, ठीक है, उसके बाद शेयर अलॉटेड फॉर। अप्लाइड फॉर का मतलब होता है जो पब्लिक अप्लाई कर रही है, अलॉटेड का मतलब क्या, जो हमारी कंपनी जो उनको शेयर इश्यू कर रही है, जो मैक्सिमम क्या कर सकती है, अलॉट कर सकती है। फिर हम लिखेंगे एक्सेस, कितनी फालतू आ गए और मनी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी अलॉटमेंट पर, मनी एडजस्ट ऑन, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये मैंने कॉलम क्यों बनाया, जो एक्सेस मनी यूटिलाइज की जाएगी अगेंस्ट अलॉटमेंट, ये वो है। अगला कॉलम है बेटा रिफंड का, रिफंड उनको किया जाता है जिनको कोई भी शेयर नहीं दिया जाता कंपनी के द्वारा। अब बात करो आप, ये देखो कि मैक्सिमम जो है कितने पब्लिक मांगती है शेयर्स, वो शेयर अप्लाइड होते हैं, एप्लीकेशन जिस पर मनी आ गई है उसको शेयर अप्लाइड कहते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेटा 125,000 शेयर्स अप्लाई किए गए लिखा हुआ है, ठीक है, और कंपनी के पास मैक्सिमम जो है 1,00,000 शेयर ऑफर किए गए हैं, कंपनी ने जो शेयर इशू किए 1,00,000। अब क्या लिखा है, एक कैटेगरी बताई गई है जो पब्लिक चाहती है 1,20,000 शेयर, कंपनी ने उसको मैक्सिमम 1,00,000 जो है शेयर्स दिए हैं, अलॉट किए हैं, तो 20,000 पर एक्स्ट्रा मनी आई होगी, वो मैं अभी समझाती हूँ। और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया, बाकी कितने बच गए 5,000, 1,25,000 में से 1,20,000 गए 5,000, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनको कहा गया कि आपको किसी भी तरह का कोई शेयर नहीं दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो आप देखिए हमारी एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है, 5,000 × 3 15,000 उसको मनी क्या कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। समझ आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम क्या करना है। तो आप देखो हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितने पर एक्सेस आ गई, 20,000 शेयर्स पर फालतू आ गई है, एप्लीकेशन मनी बेटा 60,000 है। लिखने से पहले सोचना है, यहाँ लिखने से पहले सोचना है, ये बात मैं हमेशा बोलूँगी, क्या मतलब है कि अलॉटमेंट मनी कितनी है, 1,00,000 जो है शेयर्स अलॉटेड हैं, तो अलॉटमेंट मनी आप देखिए क्वेश्चन में कितनी है, 2, हमें 2,00,000 चाहिए पर हमारे पास तो 60,000 आ रहे हैं, तो हम 60,000 भी ले लेंगे क्योंकि ये उनकी ड्यूटी नहीं कि वो अभी एडवांस दें, पर फिर भी वो हमें एडवांस दे रहे हैं तो हमने वो एडजस्ट कहाँ कर लिया है अलॉटमेंट में। दोबारा पॉइंट को समझो, बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पर, जो पब्लिक चाहती थी 1,20,000 शेयर लेना और कंपनी क्या कर रही है, उनको 1,00,000 शेयर दे रही है, तो एक्सेस कितना आ गया बेटा, 20,000 फालतू आ गए, 20,000 शेयर्स के ऊपर मनी फालतू आ गई कितनी, 3 रुपये एप्लीकेशन मनी, 60,000। यहाँ लिखने से पहले हमें सोचना है, क्यों सोचना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो अलॉटेड शेयर्स है उस पर अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है। 2 रुपये अलॉटमेंट मनी है, 1,00,000 पर 2 रुपये मल्टीप्लाई करो तो 2,00,000, लेकिन उसने कितनी दे दी, 60,000 दे दी है पब्लिक ने, तो हम चुप करके 60,000 ले लेंगे क्योंकि ये एडवांस दे रहा है, उनकी ड्यूटी तो नहीं थी अलॉटमेंट मनी एडवांस देना, पर फिर भी उन्होंने 60,000 दे दिए हैं। समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा इस टेबल को क्लोज करने की, इसको क्लोज कर दो तो ठीक है, 60,000 हमें फालतू मिल गए हैं, एडवांस जो है वो किसमें एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में, और रिफंड कितने देंगे 15,000। तो अब हम बनाएंगे बेटा हम बनाएंगे जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले गवर्नमेंट आपको पता ही है कि आप डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले आप देखिए हमें एप्लीकेशन मनी कब रिसीव हुई है, 15 अक्टूबर 2018 को। गलती बच्चे क्या करते हैं, वो 1 अक्टूबर को एंट्री करते हैं, नहीं बेटा 1 अक्टूबर 2018 को तो कंपनी ने अभी ऑफर किया है पब्लिक को, तो एप्लीकेशन मनी कब रिसीव हुई है, 15 अक्टूबर 2018 को। तो आप जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करोगे वो अक्टूबर 15 में करोगे, ठीक है। 15 अक्टूबर को क्या हुआ, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है कंपनी को, लेकिन इसमें ज्वाइंट खाता खोलना है, अकाउंट खोलना, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर के आगे अगर इक्विटी वर्ड नहीं लिखा तो हम लिखिए टू शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मैंने अलॉटमेंट वर्ड क्यों लिखा बेटे, एलएफ का कॉलम थोड़ा छोटा बना ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि एलएफ के कॉलम हमने नहीं लिखना होता, बिजनेस मैन ने क्या करना होता है, जैसे कंपनी उसने पेज नंबर लिखना होता है जहाँ इसका अकाउंट खोला है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट वर्ड क्यों मैंने लिखा, क्योंकि कंबाइंड खाता खोलने को कहा गया था। तो आप देखिए कंपनी के पास एप्लीकेशन 1,25,000 शेयर्स के लिए आई है, 3 रुपीज के कंपनी की एप्लीकेशन बनी है, 3,75,000 आ जाएगा, अमाउंट में लिख लीजिए 3,75,000। अब बच्चे कहते हैं कि मैम क्या अलॉटमेंट का भी यहाँ पे लिखना है, नहीं बेटा अलॉटमेंट थोड़ी अभी आई है, अभी तो एप्लीकेशन बनी आई है, तो आप मल्टीप्लाई सिर्फ एप्लीकेशन बनी से करोगे। ठीक है, मैंने एक बार चेक कर लिया अमाउंट, ठीक है, आप लिखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक्चुअल में तो ये एप्लीकेशन मनी है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब बात आती है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो एप्लीकेशन मनी है वो ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो वैसे तो अगर ज्वाइंट खाता ना खोलना होता तो आप एंट्री वैसे क्या करते हैं, आप करते शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, वही करते ना, है ना। जब एप्लीकेशन होती अलॉटमेंट वर्ड ना होता, ज्वाइंट खाता ना खोलते, तो दोबारा बता रही हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पर क्योंकि यहाँ पर हमें ज्वाइंट अकाउंट खोलने को कहा गया है, कंबाइंड अकाउंट खोलने को कहा गया है, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, दोनों अलग एंट्रीज कर देंगे, कौन कौन सी, जो अलॉटमेंट में मनी ट्रांसफर करने की होती है वो, और दूसरी जो है हमारी क्या अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर कर दी, और दूसरा हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, बैंक में रिफंड करने की जो एंट्री करते हैं वो। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जैसे हम करते हैं ना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, अब यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट वाली नहीं कर सकते, अमाउंट तो हम काट देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं लाइन बोलूँ शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक, तो ये कट जाएगी ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला अमाउंट, तो हम ये एंट्री नहीं कर सकते। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एक तो ये बात, दूसरा मैं एक बैंक वाली जो रिफ्यूज कर दी है मनी, हमने वापस कर दी है, रिफ्यूज कर दिया अपने एप्लीकेंट उसको, एप्लीकेंट्स को कि आपको हम अपना शेयर होल्डर नहीं बना सकते, तो उस एंट्री को मैंने अलग कर दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एक अलग एंट्री कर लेंगे, और फिर जो एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक, उसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैम टू शेयर अलॉटमेंट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तो एडवांस आया है हमारा, ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं लिख रहे बेटा, ऊपर भी अगर अलॉटमेंट एंट्री में नीचे भी अलॉटमेंट आ जाए तो वो कैसे हो सकता है, तो इसलिए हम एंट्री को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो अब देखिए हमारा नवंबर 1 को एंट्री क्या होगी, बड़े ध्यान से समझ लेना, इसका अमाउंट भी बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पॉइंट समझने वाला है, बच्चे गलती कर जाते हैं कि मैम यहाँ पे कितना आना चाहिए, क्या ये आना चाहिए 3,75,000, मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि कुछ मनी तो हमने क्या कर दी थी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी थी और कुछ हमने रिफंड कर दी थी। एक्चुअल में कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, कंपनी के पास बेटा 100,000 शेयर्स हैं, तो 1,00,000 × 3 जो है 3 रुपीज आपकी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होती है शेयर कैपिटल में, और दूसरा यहाँ पर हमारे जो शेयर्स हैं 100,000 वाले, उससे अलॉटमेंट मनी में हम ड्यू कर देंगे कितनी रुपीज़ है, 2 रुपीज़, तो 2 लाख हो गया 5 लाख। अब बच्चे कहते हैं मैम ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बेटा आप देखो अलॉटमेंट की ड्यू डेट कब थी, अलॉटमेंट की ड्यू डेट बेटा नवंबर 1 में थी, और एप्लीकेशन मनी भी कब हम ट्रांसफर करते हैं, याद रखना जिस डेट को शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं उस डेट को हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, तो डेट दोनों भी सेम है, नवंबर 1 ही है, तो इकट्ठा क्योंकि खाता भी हमने कहा इकट्ठा ही खोलना है, इस वजह से यहाँ पर हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। अमाउंट कितना आएगा बेटा 5 लाख, क्यों, क्योंकि शेयर हमारे 100,000 है, 3 रुपए एप्लीकेशन मनी है, 2 रुपए अलॉटमेंट है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 5 लाख। अब आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की दोबारा एंट्री नहीं करनी, मत कंफ्यूज होना कि आपने अलॉटमेंट की क्या दोबारा कर दी, नहीं बेटा मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की करके ही एंट्री बता दी है, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम कैसे करना चाहिए, आगे तो हम नहीं करते थे ऐसे, पर क्योंकि बेटा इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम जो एप्लीकेशन है उसी
के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, हमने एप्लीकेशन वाली मनी के साथ ही हम अलॉटमेंट को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे किए इसकी नरेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी क्या होगी, ड्यू होगी। दोबारा समझ लो ये फाइल है, मुझे पता है बच्चों को जल्दी जल्दी समझ नहीं आता। अगर बात करें शेयर एप्लीकेशन की तो 1 लाख शेयर इंटू 3 लाख आएगा। बच्चे कहते हैं क्यों मैम 3,75,000 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एंट्री को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तो मैंने कहा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एक और बताने जा रही हूँ शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। अब टू शेयर अलॉटमेंट क्यों नहीं मैं लिख रही बेटा, ऊपर भी अलॉटमेंट है नीचे भी अलॉटमेंट है, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया अलॉटमेंट मनी और एप्लीकेशन मनी नवंबर 1 को हमने क्या कर दी है, अलॉटमेंट तो ड्यू कर दी है और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी है। तो फाइनल कैसे है, 1 लाख शेयर इंटू जो हमारी एप्लीकेशन मनी 3 लाख आ गया और अलॉटमेंट मनी 1 लाख इंटू 2 5 लाख आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी डेट पर नवंबर 1 को ही रिफंड करेंगे जो एंट्री को, क्या लिखेंगे बेटा, मनी रिफंड करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यह अलॉटमेंट वर्ड इसलिए मैं साथ साथ लिखी जा रही हूँ क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट खोलना है, इकट्ठा अकाउंट खोलने को कहा गया, कंबाइंड खाता खोलने को कहा गया है। भी एप्लीकेशन मनी, अब ये अमाउंट लिख रही हूँ एप्लीकेशन मनी रिफंडेड मतलब वापस दे दी है, रिफंडेड अमाउंट कितना आएगा, मैंने आपको अभी समझाया था कि हमारे शेयर 5,000 थे, 5,000 इंटू 3 15,000 जो आपने बैंक में लिखा था रिफंड किया था 15,000। क्लियर हो गया, दोबारा बता दूँ 5,000 शेयर्स जो थे जो कहा गया था जिनको हमने पब्लिक को 5,000 शेयर्स के ऊपर मनी वापस कर दी थी, क्यों, क्योंकि उनको हमने कोई भी शेयर नहीं दिया था, वो 15,000 हमने क्या कर दिए उनको वापस कर दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगली एंट्रीज करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेगी। बच्चे कहते हैं मैम ड्यू की एंट्री क्यों नहीं कर रहे आप, बेटा हम ड्यू की एंट्री कर तो चुके हैं जब हमने ट्रांसफर किया मनी। किसमें ट्रांसफर किया हमने, हमने ट्रांसफर किया मनी शेयर कैपिटल में, उसी के साथ ही अलॉटमेंट ड्यू भी मैंने एंट्री बता दी थी। अब अगली एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री होगी, ये होगी नवंबर 1 में। ठीक है, नवंबर 1 में। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, आप देखिए अलॉटमेंट मनी आपकी कितनी है, 2 लाख है ना, 1 लाख इंटू 2 करके 2 लाख है, पर आपने कितने एडजस्ट कर दिए थे, आपने 60,000 जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए थे, तो अब आपको कितने रिसीव होंगे। कंपनी की बात करें, कंपनी को 1,40,000 मिलेंगे। दोबारा सुनो, आपने एक्चुअल में कितनी ड्यू करी है अलॉटमेंट मनी, 1 लाख इंटू 2 लाख जो है करे थे, जिसमें से हमें 60,000 एडजस्ट हो गए थे, ऑलरेडी रिसीव हो गए थे, तो वो दोबारा नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको टेबल में समझा चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हो आप टेबल में दोबारा से देख सकते हो। 60,000 जो हमने एडजस्ट कर दिए थे अलॉटमेंट में, तो वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अलॉटमेंट मनी कितनी मिलेगी, 1,40,000। क्लियर हो गया। अब इसके साथ भी मैंने एप्लीकेशन वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट खोलने को कहा गया है। क्लियर हो गया। अब आप लिखिए बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मतलब यहाँ तक ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आगे तो बच्चों को पता है कि किस तरह से हम करते हैं एंट्री, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही फर्क था जो मैंने आपको बताया। अब बात करो फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपीज़ है, 1 लाख शेयर है, तो 3 लाख जो है मनी ड्यू हो जाएगी। तो अब लिखिए दिसंबर 1 को फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया है, तो क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 3 रुपीज़ है, और शेयर्स कितने, 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 3 अगर कर दो तो आपका ड्यू कितनी हो गई, 3 लाख। तो अब लिखिए बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग
फर्स्ट गोल बनी ड्यू। अब हम फर्स्ट गोल बनी क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो ये एंट्री का ऊपर कर देते हैं दिसंबर 1 को ही। फर्स्ट गोल बनी ड्यू हुई है तो हमें क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी कंपनी को दिसंबर 1 को, ठीक है। फ्री लैक में से कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे शेयर होल्डर ने पैसे ना दिए हों, फ्री लैक है, 3 लाख आ गए तो अब एंट्री क्या करेंगे, लिखिए बेटा, क्योंकि सारे के सारे पैसे आ गए हैं तो हम लिखेंगे, लिखिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट डाउन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप देखिए आपने कितनी मनी ड्यू करी थी, 3 लाख रुपीज ड्यू किए थे ना, 1 लाख इंटू 3, तो 3 लाख के 3 लाख ही क्या हो गए, रिसीव हो गए हैं। तो अब आप लिखिए बीन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, ये रिसीव कब हुई है, दिसंबर 1 को ही हुई है। अब आप बात करो बेटा, अब एक मंथ बाद एक कौन सा ईयर आ जाएगा, 2019 भी आ जाएगा, क्योंकि जन आ जाएगा, जन 1 को हम एंट्री क्या करेंगे, हम कह देंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लेगी। तो आप देखिए हमारे पास सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है, और 1 लाख जो है क्या है, शेयर्स हैं, तो 1 लाख इंटू 2 करके 2 लाख जो है हम मनी ड्यू कर देंगे, लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख शेयर्स हैं और 2 रुपये हमारी क्या है, फाइनल कॉल मनी है, तो 2 लाख आ जाएगी मनी ड्यू, इसके ऊपर आ जाएगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर। समझ आया, दोबारा बता देती हूँ, मतलब कहने का कि प्रॉब्लम होता है कहाँ आती है बच्चों को, बच्चों को प्रॉब्लम आती है सिर्फ जो पहली 4 एंट्रेंस मैंने बताई है वहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। वो एंट्री मैं आपको दोबारा बता दूंगी, क्योंकि इसके अंदर हमने ज्वाइंट अकाउंट खोला था, है ना, किसका, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, तो ये मैं पॉइंट फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये वाला मैं खत्म कर दूं पॉइंट, तो आपको समझ आ जाएगा। अभी हमने क्या किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है क्या किया, ड्यू किया, लिखिए बीइंग सेकंड एंड, मैं दोबारा बता दूंगी वो पॉइंट, फाइनल कॉल मनी ड्यू, ड्यू कर दी है, अब हमें क्या हो गई है, रिसीव भी हो गई, ठीक है। हम एंट्री करेंगे जन 1 को ही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। सेम अमाउंट जो हमने ड्यू किया था, मंगाया था कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से, सारे के सारे जो है आ गए हैं, तो 2 लाख के 2 लाख, ठीक है। ये जो मैंने लास्ट की 4 एंट्रीज कराई है, 2 तो मैंने कराई है फर्स्ट कॉल की और 2 कराई है सेकंड एंड फाइनल कॉल की, उसमें तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, अब ध्यान से समझ लेना इसमें था क्या। पहले तो जब हम क्वेश्चन में लिखा हो कि ज्वाइंट खाता खोलना है, कंबाइंड खाता खोलना है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, तो जब भी आप बात करोगे एप्लीकेशन की, उसमें एप्लीकेशन वर्ड अकेला नहीं लिखना, उसके साथ अलॉटमेंट वर्ड लिखना जरूरी है सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन में था क्या, ध्यान से सुनिए, 1,25,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी कंपनी को, 1 लाख जो है कंपनी के पास शेयर्स थे जो ऑफर किए गए थे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती शेयर्स इतने ही थे, कंपनी ने ऑफर ही 1 लाख शेयर्स किए हैं, तो पता चल रहा है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। तो आप दोबारा से देखिए मेरा जो सबसे पहले मैंने टेबल बनाया था, कैलकुलेशन टेबल, उसके अंदर मैंने शेयर अप्लाइड और मैं टोटल में 1,25,000 लिखे थे और अलॉटमेंट में कितना लिखा था बेटा 1 लाख, तो आपको पता चल रहा है कि 25,000 एक्सेस है। पर हमने क्या किया, 1,20,000 वालों को 1 लाख दे दिए शेयर्स, यानी कि 10,000 जो है, सॉरी डिफरेंस जो आया 20,000 वो एक्सेस में लिख दिया, और बाकियों को उन्होंने कहा रिजेक्ट कर दिया,
बाकी मतलब कि 5,000 है कि 5,000 को नील, तो 5,000 वालों को हमने क्या कर दिया, मनी दे दी वापस, 3 रुपये वापस करके 15,000 रुपये रिफंड के कॉलम में लिख लिए कि सॉरी भाई हम आपको आप अपना क्या नहीं बना सकते, शेयर होल्डर नहीं बना सकते, आप अपनी मनी वापस रखो, कंपनी ये बोल रही है पब्लिक को कि आप अपने पैसे वापस ले लो, क्लियर। और जो हमारा मल है 20,000 शेयर्स मांगती है पब्लिक, हम उनको कितने दे रहे हैं, 1,00,000 शेयर्स दे रहे हैं, तो एक्सेस कितनी आई एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स के लिए, तो 20,000 को आपने 3 रुपीज एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके देखा 60,000 आवाज आए हैं, उसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, पर अलॉटमेंट शेयर 1,00,000 है, जो हमारे कौन सी कैटेगरी की बात करें, प्रो राटा अलॉटमेंट की 1,00,000 × 2, 2,00,000 चाहिए, पर आए 60,000 है, तो 60,000 क्या कर देंगे, हम एडजस्ट कर देंगे। अब तो आपको टेबल समझ आ गया होगा, बात आती है पहली 4 एंट्री बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, ये होगी 15 अक्टूबर 2018 को बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब मैंने एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड अकाउंट खोलने को कहा गया था, तो ये कितनी आएगी 125,000 × 3,00,000, 1,25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3,75,000 आ जाते हैं। अगर मान लो हम अकाउंट इकट्ठा ना खोलते तो एप्लीकेशन ही लिखते फिर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर दूसरी एंट्री क्या होती है अगर अकाउंट इकट्ठा ना खोलते, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पर मैंने उस एंट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है वो इकट्ठा ही खोलना है अकाउंट, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो उस एंट्री को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। वो एंट्री क्या होगी, 1 नवंबर 2018 को मैंने लिखा है, आप चेक कर लो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बड़े ध्यान से देखना, एप्लीकेशन कितनी है 1,00,000 × 3,00,000 और अलॉटमेंट कितनी है 1,00,000 × 2,00,000, तो 5,00,000 करेंगे, क्यों, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी गई है 3,00,000 शेयर कैपिटल में, और अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी गई है 1,00,000 × 2,00,000 इसमें, शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, टोटल 5,00,000 रुपये हो गए। और जो मनी रिफंड की थी तो हमने क्या बेटा, अब जो मनी एडजस्ट की थी ना बच्चे, वो बात जरूर करते मैडम, जो हमने एडजस्ट की थी मनी अलॉटमेंट की, उसकी एंट्री आप क्यों नहीं बोल रहे टू शेयर अलॉटमेंट बेटा, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट ऊपर भी तो एंट्री में आ गया, तो नीचे दोबारा नहीं आ सकता शेयर अलॉटमेंट, तो इस वजह से हमने इसको ऐसा किया। अगर ज्वाइंट खाता ना खोलना होता फिर तो आप शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक करते, पर अब आपने ऐसा नहीं करना। फिर अगली एंट्री हमने नवंबर 1 को क्या की थी, चेक कर लो बेटा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 15,000, कि हमने 15,000 रुपये क्या कर दिए थे, रिफंड कर दिए थे एप्लीकेंट्स को। उसके बाद हमने रिसीव की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, देखो 2,00,000 रुपये हमारी अलॉटमेंट बनी है ना ड्यू वाली, लेकिन उसमें से हमें 60,000 पहले मिल गए हैं, तो 1,40,000 अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल की दिसंबर 1 में हमने की 1,00,000 × 3,00,000, ठीक है, फिर क्या एंट्री की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हम रिसीव की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना बेटा 3,00,000। उसके बाद हम 1 महीने बाद January 1, 2019 को, मैंने यहाँ पर तभी 2019 लिखा है क्योंकि महीने बाद क्या हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा, January 1 को हम एंट्री करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 × 2,00,000। फिर रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल मनी बेटा 3,00,000 ही बताई थी ना, 1,00,000 × 3,00,000 पहले ड्यू कर ली फिर रिसीव कर ली, और फाइनल कॉल 2 रुपीज़ है 1,00,000 × 2,00,000, तो एंट्री क्या गई, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000 × 2,00,000। फिर रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,00,000 × 2,00,000। तो अब बेटा आपको मैंने जब 2 बार क्वेश्चन कराया, तो मैं होप करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, तो ठीक है। सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, सी यू विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।